हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल नील एंड रॉ। नील, कैसे हैं आप लोग? और देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चलता, आज हमारा पटना में लास्ट डे है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है, मैंने सोचा कि जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं ब्लॉगिंग कर स्टार्ट कर दूँ। अभी जस्ट सोचा कि नहा कर जस्ट आई हुई, धूप सेक रही हुई, तो सोचा ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ। बस मैं कोल्ड में ही नहा कर देख रही हूँ, बाल बाल धो लिया कि देखते हैं जो होना है हो जाए। भाई बहुत हालत ख़राब है, इतना नाक बंद, गला बैठा हुआ है, गला चुभ रहा है। और यहाँ पटना में सबको यही प्रॉब्लम है, छोटे से लेकर बड़े तक सबको कोल्ड कफ फीवर यही हो रहा है, ऐसा लग रहा है वायरल चल रहा है। और इस घर की बात करें, रॉनर इतने दिन के बाद आया है फिर भी उसको सारा रास्ता याद है। जिस दिन आया था, मैं आपको ऐड कर दूंगी वो वीडियो, खुद से इंटर कर रहा है, मतलब सारा उसको यहाँ का पता है, नानी घर का पता है, सारा रास्ता उसको पता है। मैं हैरान हूँ कि वाह, उसे सारा रास्ता पता है। फ्लैशबैक। चलो रॉनर, चलो घर याद है अपना? ले चलो आराम से, दौड़ना नहीं है रॉनी, दौड़ना नहीं है। कितने भी साल के बाद रॉनी, वेट बच्चा रॉनी, रुको बेटा, मिली होगी, नहीं है। गेट खुला है, बोलो पूछो, मिली है? मिली है, मिली है मम्मी, मिली ऊपर है, है। चलो इधर खोलो, अंदर खोलो, चलो अंदर चलो, प्रणाम करो रॉनी। खुल गया, आ गया ना। तो जितना मौका मिल पाएगा मैं ब्लॉगिंग कर लूंगी आज भी। फिर मिलते हैं गाइस, क्योंकि मेरी पैकिंग अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी बाकी है, तो वो करते हैं। और ये देखिए यहाँ का ग्रीनरी हमारे घर के जस्ट पीछे। आज हवा भी बहुत तेज चल रही है, बड़े बड़े अशोक के पेड़ हैं, धूप बहुत अच्छी निकली है। अभी हमारे यहाँ ऊपर में कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो इस वजह से ईंट है, आपके सरिये भी हैं, बहुत सारे भी हैं। तो रॉनर को नहीं लाते छत पे, बहुत रियर लाते हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये देखिए, ये देखो, ये देखो लड़ाई, इसको पीहू को तो कचर के रख देता है ये। अरे अरे बाप रे, लात लग गई। अरे बाप, अरे पीहू तुम भी अटैक करो, वो बेचारी बस डिफेंस कर रही है। तुम बहुत बदमाश हो गए, पीहू दीदी को तंग कर रहे हो, और गिरा मत देना। अरे बाबा, अरे बाबा, ये देखो, ये देखो, अब बस बस हो गया, हो गया रॉनर, अब प्यार कर लो, प्यार कर लो, प्यार कर लो। दीदी है ना, दीदी है ना, हग करो, दीदी है ना। कल तो बड़े अच्छे से गोदी में बैठ के सो रहा था, दीदी सुला देती है ना। अरे ये देखिए, ये देखिए रोहानी अपनी बड़ी बहन को कैसे पीट रहा है, कैसे पीट रहा है, ये देखिए। माँ को किस चीज के लिए लड़ाई हो रहा है? मुझे मुझे बिस्किट मिला तो केक मिला, केक मिला। तुम कल केक खाए थे या नहीं खाए थे? वो देखो, देखो पीलो लेके उसको मारने के लिए जा रहा है। पीहू तुम भी अटैक करो, ये बहुत बदमाश है, जितना तुम रुकोगे ना। देखो देखो बदमाशी, पीहू बेचारी कुछ करती नहीं है, वो उस पर मारते रह रहा है उसको। गाइस आज यहाँ बन रहा है खाने में दही बड़े, ये है बड़े, बड़े का घोल, और इधर है, अभी एक दो बार ही बना है, मतलब एक बार का ही है शायद, इसलिए कम है। अभी ये दूसरी बार यहाँ डला है, ये बनाना बाकी है। ये बन गया है दही बड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी है, ये लुक से ही पता चल रहा है। अरे दही बड़े देख के भी ये मिली आ गई है, या तुम्हारे खाने का चीज़ नहीं है। और खाते हैं दही बड़े। ये रोहित ना अपना स्पेशल डिश यहाँ पे भी लोगों को चखाने वाला है, कैसा लग रहा है रोहित? सब सब मेरा सीक्रेट जानने वाला है ना, क्या सबको अपना सीक्रेट बता दें, बोल बोल के अपना सीक्रेट बता दो, ऐसे ऐसे लिखा होता है कैमरा मैन का, ऑल्सो कर्टेसी दिया जाता है रंजन रोहित। रॉनी आजा फायर, रॉनी मिस कर रहा है।
फिर बोलना मत, हम नहीं देखे। पायल नहीं देखना बेटा, रानी आज यहाँ बिजी हो चुका है। आओ जो पायल फिर बोला नहीं देखे हैं। से हेलो रानी का मोस्ट डिमांडिंग फूड बन रहा है। हमें भी यहाँ पे बिजी हो गए रानी सिंह। रानी दूर से, दूर से डिश दिखा देते हैं। डिश ये है, डिश यहाँ कभी कढ़ाई खा लाई है। एक्चुअली यहाँ सफेद वाला कढ़ाई है ना, हाँ। वो टेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, सफेद ही काला हो जाता है। हाँ। कोई नहीं, हम लोग को तो खाने से मतलब है। हमको तो नॉनस्टिक से खाना कम पसंद है। लगता है दादू अब ब्लॉग में आ रहे हो। आप ब्लॉग में आ रहे हो? हाँ, इधर आइए। हाँ, इधर आइए बेटा। हेलो, मेरे दादू है। कैसे हैं? अच्छा, आप कैसे? और गाइस भी सही है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे और गाइस भी सही है। हम भी अच्छे हैं और गाइस भी अच्छे हैं ना बेटा। हाँ, और किसी से मिलो, आ जाओ, कमन आ जाओ, अपने बात करो। स्पेशल हमारे पास एक है। क्या स्पेशल? वो लास्ट में होगा, वो सब लास्ट में होगा। और दादी, हाँ आप बोलो दादी से, पूछो कुछ सवाल, कुछ पूछना। दादी इसके दुकान से आ गए और हम नोएडा जाने के लिए तैयार। नोएडा जाने के लिए तैयार। क्या नाम? नहीं पता है, नाम नहीं याद है। नाम क्या? नाम क्या? नहीं खुशी। हाँ खुशी, खुशी। अच्छा, यह है खुशी, यह है अंजलि, और ये कौन है? रोनल सिंह। रोनल सिंह, ऐसा देखो तो। ये कौन है? ये कौन है? फुआ। नाम क्या है? हाँ रुको, नहीं क्या नाम पता है? नाम नहीं पता है। मेरे मोबाइल में क्या सेव है? भाभी, भाभी क्या बना रही है? छोला, खाने जाने के लिए छोला बना। इधर गोला, इधर छोला, छोला बना रही है। छोला पूरी बना रही है। टेस्टी है ना? हाँ टेस्टी बनाया है। हाँ जी टेस्टी बना। आप जी पूरी टेस्टी है ना? सारा भाभी की है, बस अभी आके इसको छान ले, क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। ऐसा भाभी की कोई हेल्प भी नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, नहीं भाभी खाना अच्छा बनाती है, गुड। ऐसा भाभी को पूरा मौका दिया कि अपना टैलेंट जरूर शो कीजिए। नहीं अच्छा खाना बनाए थे भाई। हाँ पापे जा रहे हैं नोएडा, आपका भाई का अगले महीना आएंगे हम। जाने अगले महीने दादू आने के लिए बोल रहे हैं आपको। 10 दिन हो गए पटना में आए हुए, पता ही नहीं चल रहा 10 दिन कैसे बीत गया। लग रहा 3-4 दिन हुआ ऑनेस्टली, बिल्कुल। यहाँ तो ऐसे भी समय नहीं पता चलता है, क्योंकि फैमिलीज हैं सारे, सुबह शाम कहीं नहीं पता चलता, मम्मी के पास ही नहीं बैठ पाते, ऐसे बीत जाता है पूरा दिन। आपको पटना कैसा लगा? बहुत अच्छा था। अच्छा, हम लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा ज्यादा अच्छे कौन है, दादा या दादी? दोनों में अच्छा कौन है? दादी। कौन? दादी। दादी, दादाजी तो इतने सारे चीजें ला के देते। दादी को दादी चीज दी है। हाँ रोने, इसलिए दादी अच्छी है। क्या वो ऐसे ऐसे करने वाला लैपटॉप में जो लगा रख दिए? पैक कर लिए। पैक कर लिए। हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं ना, एकदम मत छोड़िए। अरे एक चीज बता रहा हूँ, दादू आपको माउस ला के दिए फिर भी आप नहीं बोले कि दादू अच्छे हैं, ये तो गलत है। मगर नहीं, दादी क्या थी? दादी अच्छी है। हाँ रानी, तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। अच्छा गुड। अच्छा दोनों में से अच्छा ज्यादा अच्छा कौन है? दोनों। अच्छा उन दोनों अच्छे कि पापा अच्छे हैं बताना? तुम भी अच्छे थे। ये अच्छा बड़े पापा ठीक नहीं है यानी ना? वो ठीक है, चिकन बॉय है। चिकन सबसे ज्यादा अच्छे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे। डिलीवरी बॉय वो तो रानिल, वो तो डिलीवरी बॉय ना रानिल। चिकन बॉय
सबको बाय करो, हग करो, टाइम टू से बाय। नहीं चलो हम करने जाते हैं फिर, सेंटिमेंटल ज़्यादा है वो अब इसलिए इमोशनल हो गया। मिली बाय, बाय मिले, मिली भी सी ऑफ करने आ गई। चलो चलो बेटा जल्दी बाय करो, लेट हो जाएगा आपका ट्रेन। अच्छा सर, बाय रॉयल। कुछ बोलना है, कुछ मैसेज देना है बुआ को, दादाजी को, दादाजी को, दादाजी को, अब दादी को। चलो 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 चलो, कम ऑन डू इट। दादी को हग करने जा रहा है, आएंगे जल्दी। अब पापा को तो भाई बहन बाय करो। प्यार करो, प्यार करो, करने में आ रही हो। मैं प्यार में अब लोग जा रहे हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और पटना में आज हमारा लास्ट डे है, बस निकलने के लिए रेडी। सामान सामान पूरा पैक हो चुका है, और इतने सारे बैग, वन बैग, टू बैग, थ्री बैग, और ये फोर बैग। रोने दीजिए, सो इमोशनल। रोने क्या हुआ? सबको हक कर लिए, सबको हक कर लिए। मिली को किया बेटा, नहीं आएगी करने। रानी मिली, अरे मिली, सॉरी जा रहे, बाय मिली, फिर मिलेंगे। वही वही बच्चा, वही बच्चा, बहुत बदमाशी, तुमको पूछ ही लाता था ना, जा रहा है। अब शांति मिलेगा, बहुत पूछ परेशान नहीं, बहुत पूछ परेशान करता। अच्छा डांट खाया है, डांट खाइए मिली, बदमाशी हो गए मिली, लड़की भाग जाती है। और रानी जाते जाते पीयू दीदी को परेशान नहीं करोगे? पीयू दीदी को परेशान नहीं करोगे? नहीं बोलो बड़ी दीदी, एक बार कर लो, आज इतना परेशान किया है ना ये। गाइस हमारी सवारी चल रही है, पीछे एक बैग, दो बैग, तीन बैग, चार बैग, जाने वाले दो लोग, बैग है चार। बोलो ना, जब बहुत सारे लोग दिख जाएंगे बैग लेके। क्या है तुम्हारे नानी घर में? कद्दू, अरे बहुत बड़ा कद्दू देखा है। मतलब प्रणाम करने के लिए तुमको चप्पल जरूरी है, अगर चप्पल नहीं पहनी हो। इसके बिना विदाई अधूरा है। चलो ये चलिए, इसीलिए खुश रहो, खुश रहो, बाय। भैया दिखी जल्दी, दीदी बहन भी जल्दी, बहुत दिन हो गया आए हुए, हर दिन डेट डिसाइड करते रहते हैं। रोनिल दादी को बुलाओ, रोनिल बैठ गया गाड़ी में। बहन बहन तेरे लिए रोनिल, रोनिल अपना फेवरेट सीट ले चुका है। रोनिल तो अपना फेवरेट सीट ले लिए, चला गया ऐसे, सबसे पहले गाड़ी में जाके बैठ गया। कौन करेगा? अरे नहीं टांगना, नहीं ये टंगाना नहीं, सब दादी कर लिया, बुआ कर लिया, सब कर लिया। बोल दादी को ध्यान रखना, कर रहा है। पैर नहीं छुएगा दीदी है, चल दी रोनिल, रोनिल रोनिल पैर छुए बुढ़िया दीदी, नहीं मेरा नहीं, नहीं नहीं दीदी, चलो बाय 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 बाय, चलो। ए रोनिल, पी दीदी को प्रणाम करो जल्दी से, पैर छुके आओ, सब अभी सब कुछ करेगा, वेरी गुड। अब बोलो, अब तक नहीं करेंगे, अगली बार आएंगे तब करेंगे। चलिए बाय।
प्लेटफॉर्म टिकट छुओ में चला जाता है। अच्छा बंधन कराना, बाय। सीधा निकल जाए, हां सीधा निकल जाएगा। फ्लाईओवर से चलिए, फ्लाईओवर से। गाइस भाभी हम लोग को छोड़ जा रही है स्टेशन, और भैया डायरेक्ट वहीं पे ज्वाइन करने वाले हैं, तो हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए। मामी की भाभी पीछे ही बैठी है। रन सो गया। यस। हाँ, इसका ट्रैवल में इसका ये है। थोड़ा सा ये मौका मिलता है सोने का बस। बचपन का ये फोटो चाणक्य काफी फेमस पहले हुआ करता था। तो बहुत सारे होटल्स हो गए हैं, मगर पहले का सबसे बड़ा होटल यही होता था। गाइस हम लोग स्टेशन आ गए, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये है सामने पटना स्टेशन। पटना का तो जुगाड़ हो गया, भाई आ गया। वहाँ पे सोच रहे हैं नोएडा में क्या हाल हो रहा, दिल्ली में। भैया पता करनी है प्लेटफॉर्म, कौन सा है प्लेटफॉर्म? 3 नंबर। सामान बहुत ज्यादा हो गया गाइस। भीड़ कितनी है स्टेशन पे, उधर से मेरे को पकड़ लो। My God. इधर तो ऐसा लग रहा है लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए लोग खड़े हैं। पटना ही रहना है। पटना ही रहना है। बड़े पापा के साथ वापस जाना है। क्या तुम क्या आओ? चलो स्टेशन से वापस चलो। स्टेशन से वापस चले। एक अब इमोशनल हो रहा है। जहाँ रहता वही का होके रहता है। नहीं, ये हावड़ा न्यू दिल्ली है। ऐसे तो पहली बार देख रही है, ऐसे क्यों की ये लोग? जीप से मेरे को डर लगा। इधर से कोई ट्रेन आ गई तो रोहित चढ़ेंगे वापस। कोई पुलिस वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। माय गॉड पहले से ही लटके हुए लोग। ये रोहित देखो ना एसी का हाल। ये भाई हम लोग का भी ऐसा ही होगा। अरे सब बच्चे हैं घुसे हुए पेंट्री में। बाप रे, हम लोग में भी ऐसे ही रहेगा। बहुत भीड़ है, नहीं चल पाएंगे। रोहित रोहित भाभी अंदर आइए। आज गजब की भीड़ है, बहुत गजब की भीड़ है। रोहित भाभी अंदर आइए ना। गाइज हमारे ट्रेन का भी बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। एसी में भी बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। बहुत मुश्किल से हम लोग ट्रेन पे चढ़े हैं।
बहुत ही हॉरिबल जर्नी रही हमारी। बाय बाय पापा, बाय बाय बड़ी मम्मी, आए फिर मिलेंगे। तो माय ट्रेन खुल गई है, अभी दिखाते हैं गाइस। देखो ट्रेन खुल गई हमारी, ये रुके ना ट्रेन, पटना जंक्शन। बाय बाय पटना, फिर आएंगे रोनेल। ट्रेन पीछे चलो ना। देखो हम लोग सो रुट गए हैं ट्रेन में ये, और हम लोग आए जा रहे हैं नोएडा गाइस, और मैं अपना सरप्राइज भी ले जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये रेलवे ट्रेन है, आपको ये दिख रहा है? ये देखो रानी, हमारी ट्रेन जा रही है। जो पूरा हाल, आई नेवर मिस यू रानी, मिस यू बट आई नेवर मिस यू। वर्स्ट ट्रेन, वर्स्ट जर्नी। इस गाजियाबाद इसका स्टॉपेज नहीं था, बट आउटर पे रुक गया था, तो हम लोग आउटर पे रुके हुए उतर गए क्योंकि बहुत ट्रेन लेट है। जैसे पटना में उतरे थे पहले, वैसे यहाँ पे भी न्यू दिल्ली स्टेशन पे गए, क्योंकि नोएडा से गाजियाबाद पास है। लग गई ट्रेन, अब खुल रही है। पूरे रास्ते इसका यही लाइन चला, आई डोंट वांट टू गो नोएडा, आई डोंट वांट टू गो नोएडा, यू वांट पटना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जैकेट निकाल दिया मैंने, और अब कैब का वेट कर रहे हैं, आते हैं। बहुत परेशान हो गए, मतलब ऐसा जर्नी में वर्स्ट जर्नी में से एक था, याद नहीं कौन सी जर्नी इतनी वर्स्ट रही है। और अचानक से अपना सामान कम लगने लगा, एक फैमिली का इतना सामान देख के ना इतना इरिटेशन होने लग रहा है। अरे बहुत जगह आ जाओ, बहुत जगह, सारा दिमाग ख़राब करके रख दिया। अच्छा दूसरा भी सीट था जबकि उनके सीट्स और भी थे, और हमें घर पे हमारा लग रहा था कि बहुत सामान हो गया। रोहित मुझे बहुत सुना रहा है कि बहुत सामान हो गया, और जैसे ही उनका सामान देखे अचानक से अपना सामान कम लगने लगा। रोहित को बोल रहे आप सामान कम लग रहा है ना, तो कह रहा है हाँ आप कम लग रहे क्यों, आ गई कैब क्या? चलो गाइस कैब आ गई, रोनी साइड हो जा बेटा। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, प्लीज सब्सक्राइब चैनल।